अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग? मैं तो ठीक हूँ और इंशाल्लाह आप भी खुशहाल होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह सब्जी मंडी से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की ख़रीदारी करके आए अम्मी और मैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आज ये मैंने अपना ब्लॉग जो है मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया था। मेरा ब्लॉग जो है मॉर्निंग टू नाइट होने वाला है और फ्रेंड्स आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फ्रेंड्स जो है वीडियो को स्किप करके मत देखना, फुल वॉच करना। और फुल वॉच करने के बाद अगर वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स देखिए, तो मैं ना अम्मी के साथ जो है अपनी सब्ज़ी मंडी चली गई थी। हमारे नेरी पड़ती है सब्ज़ी मंडी, तो अम्मी ना अक्सर जो है सब्ज़ी मंडी से ही सब्ज़ी लेकर आती हैं मेरे भाई के साथ जा कर के। और देखिए, आपको दिखा रही हूँ कितनी फ्रेश फ्रेश सब्ज़ी है ना, आप खुद देख सकते हैं कितने रेड रेड टमाटर हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। तो मार्केट से जो है मंडी से ना बहुत ही अच्छी हमें फ्रेश साफ़ सुथरी सब्ज़ी मिल जाती है और रिजनेबल प्राइस में मिल जाती है, सबसे बड़ी बात ही होती है। और देखिए यहाँ पर प्याज वगैरह, लहसुन, टमाटर और आलू, हम सब सब्ज़ी लेकर आए थे, काफ़ी जो है सब्ज़ी भी लेकर आए थे हम। तो ये जो है मैं ना अक्सर अपनी अम्मी से ही मंगा लेती हूँ अपनी सब्ज़ी वगैरह। तो देखिए यहाँ पर ना हम जो है अम्मी पुदीना भी लेकर आई थी, ये देसी पुदीना है छोटे पत्तों का, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है छोटे पत्तों का। तो अम्मी ना इसकी पतौड़ बनाती है गर्मी में और हमारी हेल्थ के लिए ना बहुत ही अच्छी होती है ये पुदीने की पतौड़। तो देखिए नींबू भी लेकर आए थे हम, भुट्टे भी लेकर आए थे और बहुत सारे करेले लेकर आए थे हम। और देखिए आप सब सब्ज़ी देख सकते हैं, बीन्स भी लेकर आए थे और खीरे। तो और मैं भुट्टे लेकर आई थी, अली को ना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसकी फेवरेट है। तो ये ना वेट करता रहता है, बोलता है मम्मा भुट्टे कब आएंगे, तो इसके लिए भुट्टे लेकर आई थी। और इसने झटपट एक गैस पर भुट्टा भुना और खाना भी शुरू कर दिया था, देखिए एंजॉय कर रहा है अली यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कितनी ग्रीन ग्रीन और फ्रेश सब्जी है ना। आप भी आइए फ्रेंड्स हमारे से खरीदारी कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हम तो पूरी मंडी उठाकर लेकर आ गए थे और फिर देखिए मैंने जो है सब सब्जियों को उनकी जगह पर सेट कर दिया था, फ्रिज में लगा दिया था मैंने बहुत ही अच्छे से करके। फिर ये जो हमारे करेले थे ना, ये अम्मी कट करने लगी थी। और देखिए मैं फ्रूट भी लेकर आई थी अम्मी के साथ, जैसे तरबूज और खरबूज, लीची वगैरह, हम काफ़ी फ्रूट्स लेकर आए थे वहाँ से और फ्रेश फ्रेश मिल रहे थे। तो अम्मी यहाँ पर देखिए अपना जो है चाकू, सिलबट्टा होता है ना, उसका बट्टा होता है सिल का, उससे जो है चाकू तेज़ कर लेती है। ये देखिए बहुत ही बेस्ट ट्रिक है, इससे ना चाकू इतना तेज़ हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा शार्प हो जाता है। ये देसी ट्रिक है फ्रेंड्स, आप भी यूज़ कीजिएगा, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए अम्मी कट कर रही हैं करेले, और कितने सारे करेले हैं ना। तो मैं भी अम्मी की हेल्प करूँगी, थोड़े अम्मी कट करेंगी, थोड़े मैं करूँगी। और अम्मी ना जो है गर्मी में ऐसे ही जो है इन करेलों को ना कट करके सुखा के जो है स्टोर कर लेती हैं, और फिर इन्हें ना हम कीमे वगैरह में या चने की दाल में जो है बना सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं भी कट करने लगी थी और अम्मी ना यहाँ पर कॉटन का दुपट्टा लिए खड़ी है। अम्मी कह रही थी जल्दी से डालो, तेज़ धूप हो रही थी ना, तो जल्दी सूख जाते हैं तेज़ धूप में ये। और यहाँ पर देखिए लीची भी लेकर आई थी मैं, और लीची ना मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है लीची, और लीची का जूस वगैरह भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो है मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, देखिए आप भी खा लीजिए हमारे साथ लीची, और इतनी मज़े की थी ना, मीठी मीठी थी बहुत ज़्यादा। तो फ्रूट्स भी मैं काफ़ी लेकर आई थी वहाँ से, और काफ़ी महंगी हो रही है लीची अभी इस टाइम पर। तो बस यहाँ पर हमने फिर फ्रूट्स वगैरह इंजॉय किए, तरबूज खाया, थोड़ा सा ठंडा ठंडा फील हो गया था। और साथ में ना हमने शिकंजी भी बना ली थी थोड़ी सी। और बाहर जा कर के देखिए ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई हो। तो हमने सबसे पहले जो है फ्रूट्स वगैरह इंजॉय किए और जूस पिया हमने, थोड़ा सा शिकंजी वगैरह बनाई। तो फिर उसके बाद फिर हम कामों शामों में लग गए थे। यहाँ पर देखिए अम्मी अदरक वगैरह जो है साफ़ कर रही हैं, लहसुन को पानी में डुबा दिया अम्मी ने। अम्मी ना पेस्ट बना के रख लेती हैं, तो इससे ना हमारा खाना जो है ईजी हो जाता है बनाना। तो अम्मी ऐसे ही स्टोर करके रखती हैं। यहाँ पर देखिए अदरक को कट कर रही हैं और लहसुन को भी इसका पेस्ट बना के रख लेती हैं अम्मी, और जो है बहुत ही हमारे लिए बहुत खाना बनाना इजी हो जाता है इससे। तो ये बेस्ट ट्रिक है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद जो है अम्मी ने लहसुन और अदरक को साफ़ करके अच्छे से जो है ग्राइंड कर लिया था मिक्सी में। यहाँ पर देखिए लहसुन तो अम्मी ने पीस लिया था और अदरक पीस रहा था हमारा। और देखिए अम्मी ने पुदीने की चटनी भी कर ली थी, जो भी हम लेकर आए ना पुदीना, तो उसको भी अम्मी ने थोड़ी सी चटनी बना ली थी। और थोड़ा सा ये देखिए अदरक दिखा रही हूँ मैं, अदरक लहसुन और पुदीने की चटनी है, ये सब अम्मी ने तैयार कर ली थी। तो अम्मी ना झटपट से कर लेती हैं सब काम, और इससे ना अब गर्मी आपको पता ही कितनी हो रही है, उससे ना फिर ख़राब हो जाता है पुदीना होता है ना, ये ख़राब हो जाता है। तो अम्मी आधे पुदीने
चटनी पतोड़ बनाएंगे और फिर आधा हमने चटनी कर ली थी। तो देखिए काम शाम करने के बाद ना फिर हमने खाना वाना खाया दोपहर में बीच में, तो उसके बाद देखिए फिर जो एक डेढ़ बजे का टाइम है फिर जो अली की फाइल वगैरह बनाने लग गई थी मैं। और आपको पता ही है वेकेशन चल रही है बच्चों की, तो होमवर्क मिलता है, तो हॉलीडेज होमवर्क जो है अली का कंप्लीट यहाँ पर मैं करा रही हूँ अली को बैठा करके। तो यहाँ पर देखिए इसकी ना जो है साइंस की प्रोजेक्ट फाइल बन रही है, ये जो हम बना रहे हैं सोलर फाइल बन रही है इनकी सोलर सिस्टम की। और ये देखिए इतना सारा मार्केट से मैं सामान लेकर आई थी इसके लिए, इसकी फाइल को डेकोरेट करने के लिए, और मैं आपको सब दिखा रही हूँ। सभी बच्चे देखिए अब ये तैयार कर रहे हैं, और ये जो है ड्राइंग भी साथ साथ में कंप्लीट कर रही हूँ, और मैं अली की हेल्प कर रहे थे। ये मार्केट से जो है ये स्माइली फेस लेकर आई थी मैं, अच्छी लगती है फाइल पर हम जो है बनाते हैं। और यहाँ पर ये वाली जो है मैं फाइल ड्राइंग बना रही हूँ अली की, ये जो देखिए गेहूँ होते हैं ना गेहूँ की जो है पेंटिंग बनानी है हमें, तो यहाँ पर मैं अली की पेंटिंग की मैं हेल्प कर रही थी। और जो है लाइबा इसकी सोलर जो है फाइल बना रही थी सोलर सिस्टम की, तो देखिए यहाँ पर हमने इसकी जो है काफ़ी ड्राइंग तैयार करा दी थी। देखिए द फ्रॉग है, ये फ्रॉग की जो पेंटिंग बनाई है अली ने भी बनाई है, और थोड़ी सी हेल्प लाइबा ने भी की है। तो देखिए बच्चों को थोड़ा हेल्प की ज़रूरत होती है, तो बस मैं इसकी हेल्प कर देती हूँ, लाइबा भी कर देती है। देखिए डक का है ये, और ये डक वुडन डस्ट है, तो इसको ना हमें डस्ट से बनाना है, जो लकड़ी का बुरादा होता है ना, तो उससे हमें कलर करके उसको उसे हम डक बनाएंगे। देखिए फ्लावर पेंटिंग बनानी है, ये मैं बना रही हूँ गेहूँ से, गेहूँ होता है ना तो मोटे वाला, उसकी बना रही हूँ मैं। और जो है ये है नाइफ पेंटिंग, फ्रूट्स ये चाकू से पेंटिंग बनेगी। तो देखिए अलग अलग तरह की पेंटिंग्स होती हैं, पेंटिंग की तो इंतहा ही नहीं है कैसे कैसे पेंटिंग होती है, बहुत तरह की पेंटिंग होती है माशाल्लाह, और सब आती हैं हमें बनानी। तो यहाँ पर देखिए मैं अली को सिखा रही थी कि अली देखिए ऐसे करो ऐसे करो, तो अली भी साथ साथ कर रहा था और मैं अली को साथ साथ सिखा रही थी। देखिए और एक मसूर दाल होती है ना काली वाली मोटी वाली, वो जो है इसमें लग रही थी। यहाँ पर देखिए लाइबा नमाज पढ़ थी बीच बीच में, अपने भी इतने काम होते हैं ना अदर, और यहाँ पर माशाल्लाह मेरे भी कलामे पाक पढ़ रही हैं, और यहाँ पर मैं अली की जो है पेंटिंग तैयार कर रही थी। तो बस फिर लाइबा नमाज पढ़ के फिर अली की जो है फाइल रेडी करने लगी थी। देखिए साथ में अली भी बैठा हुआ है, इसको सिखा रहे थे और साथ साथ ये भी जो है अपनी फाइलें वगैरह तैयार कर रहे थे। जो है राइटिंग का होता है ना, लिखने का जो होता है, ये अली कर रहे थे वर्क। और यहाँ पर देखिए लाइबा इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और ये देखिए पूरा दिन लगे लगे ना हमें रात हो गई थी, और जो है फिर हम दूसरी छत पर आ गए थे, यहाँ पर जो है काफ़ी ठंडा मौसम हो गया था। देखिए आपको मैं रात का व्यू दिखा रही हूँ, ये अम्मी की सबसे हम ऊपर टॉप फ्लोर पर बैठे हुए हैं और रात का व्यू है। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत व्यू लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है जिसकी मसूरी में बैठे हुए हैं, शिमला मसूरी में। और नीचे देखिए मैं नीचे का आपको गली का जो है व्यू दिखा रही हूँ, बहुत हाइट पे बैठे हुए हैं हम। और ये मैं अम्मी का घर दिखा रही हूँ आपको इस वाली छत से, ये अम्मी की किचन है और साथ में जो है रूम है अम्मी का, और बहुत ही अच्छा लगता है माशाल्लाह अम्मी की छत पर बैठ करके ना, बहुत ही मज़ा आता है अम्मी की छत पर बैठ करके, और बहुत ही अच्छी वाइब्स आती है, माइंड फ्रेश हो जाता है। देखिए जब हम ऊँचाई पे जाते हैं तो माइंड कैसा फ्रेश हो जाता है ना, थोड़ी हमारी सारी जो थकान होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर बैठ करके हमें ड्राइंग बना रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था अम्मी की छत पर। और ये देखिए वुडन डस्ट दिखा रही हूँ मैं, ये मैंने जो है कलर कर लिया था, और ऐसे ही डस्ट जो है डक हम तैयार करेंगे डस्ट से, वुडन डस्ट से। देखिए मैंने रेड ग्रीन येलो जो है मैंने कलर तैयार कर लिए थे, और यहाँ पर जो है हम बना रहे हैं डक, बहुत ही खूबसूरत सी, बिल्कुल जैसे आप देख रहे थे ना सेम ड्राइंग में ऐसी ही बनी है अली की। इंशाल्लाह मैं अली की ड्राइंग की और सोलर जो हमने फाइल तैयार की है ना अली की सोलर सिस्टम की, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि सिक्स क्लास के बच्चों को हेल्प मिल जाए अली की इस ड्राइंग से और सोलर जो हमने सिस्टम फाइल तैयार किया ना उससे। तो ज़रूर देखना फ्रेंड्स सब अली की फाइल। तो फ्रेंड्स सुबह से मेरा मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हुआ था और रात के 9 बज गए थे, मॉर्निंग टू नाइट रूटीन था मेरा ये, और इस बीच इतने काम कर रही थी ना मैं, आपको क्या ही बताऊं। तो अगर मैं पूरा दिन का आपके साथ ब्लॉग शेयर करती तो बहुत लंबा हो जाता और आप बोर हो जाते। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का ब्लॉग, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे अपनी नई अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।